राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। सदन की बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता बताई। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75% से अधिक हुई। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान 537 मरीज हुए स्वस्थ। और छत्तीसगढ़ में ई पास की अनिवार्यता खत्म, लेकिन बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए 14 दिनों का क्वारंटाइन जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के लिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बचाव संबंधी सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित कर लिए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा सत्र के पहले दिन कल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी समेत सभी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र के दौरान विधायकों के तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर चर्चा होगी। वहीं खबरों के अनुसार मानसून सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल भाजपा राज्य में अवैध रूप से शराब बिक्री के मामलों के साथ गाय तथा हाथियों की मौत को लेकर सदन में राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसके अलावा किसानों को आर्थिक मदद देने, कानून व्यवस्था, कोरोना संक्रमण से रोक संबंधी उपायों और युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे सदन में जोर शोर से उठाए जाएंगे। वहीं मानसून सत्र के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन करने के लिए सदन की बैठक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। साथ ही विधानसभा के मुख्य द्वार पर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता बताई है। दूरदर्शन समाचार के साथ एक साक्षात्कार में श्री तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अधोसंरचना का विकास, कानूनों में बदलाव और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। कोविड संकट के दौरान भी वही क्षेत्र है जिसमें ग्रोथ है, बाकी और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश का बड़ा अभाव था और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानूनों में भी परिवर्तन किया। अब किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी से मुक्ति दिला दी है। किसान को अपनी फसल बेचने पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और उसकी ओपन ट्रेड है। मध्य प्रदेश का किसान कलकत्ता के किसान को भी अपना उत्पादन बेच सकता है। किसान खेती ठीक प्रकार से कर सके और उसकी आमदनी दोगुनी हो सके, इस दृष्टि से भारत सरकार की अनान्य योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम किसान को मदद करने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसे देखते हुए सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो व्यक्ति, गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य, यहाँ से आत्मनिर्भरता का क्रम प्रारंभ होता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुआयामी कार्यक्रमों को संचालित करने की आवश्यकता है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी है, उसमें कानूनों को बदलाव करने की ज़रूरत भी है, उसमें जो रोज़गार के अवसर हैं सृजित करने की उन योजनाओं की भी आवश्यकता है, देशज भाव जगाने की भी ज़रूरत है। श्री तोमर ने बताया कि कोरोना संकट काल के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने को कहा है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। जिन लोगों को इस योजना के तहत अब तक शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। विभाग ने कहा है कि कमजोर वर्ग तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना जरूरी है। विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्यों के सार्वजनिक वितरण योजना के तहत शामिल नहीं किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन दिव्यांगजनों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से आज ये बताया गया है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 75.27 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 57,469 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 23,38,000 से अधिक है। ये मौजूदा सक्रिय मामलों से 3 गुना से अधिक है। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की बढ़ती दर के साथ ही देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है। इस समय भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 1.85% है, जो विश्व में सबसे कम मामलों में शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक देश में 3,59,00,000 से अधिक कोरोना मामलों की जांच की जा चुकी है। जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस समय कुल 1,520 प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 537 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 12,931 लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या 20,000 के पार जा चुकी है। इनमें से 7,790 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 704 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई है। बीती देर रात तक राजधानी रायपुर से करीब 250 नए मरीज मिले हैं, जबकि रायगढ़ से 75, दुर्ग से 65, जांजगीर चांपा से 52, राजनांदगांव से 41, बिलासपुर से 35, बलौदाबाजार से 26 और महासमुंद से 15 नए मरीज मिले हैं। इन सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ में राज्य के अंदर या उससे बाहर जाने के लिए अब ई पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन राज्य में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना जरूरी होगा। वहीं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए स्वैच्छिक रूप से ई पास के इस्तेमाल के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए इस संबंध में एक नया आदेश जारी कर दिया है। संशोधित आदेश का परिपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार संक्रमण पर रोक लगाने के लिए संपर्क की पहचान के लिए स्वैच्छिक रूप से ई पास का इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे तथा संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय जांच चौकी जैसे आवागमन स्थलों पर बिना ई पास आवागमन करने वाले यात्रियों से ई पास लेकर यात्रा करने संबंधी अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार समावेशी विकास आपकी आस विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी केंद्र रायपुर के दूरभाष नंबरों पर 25, 26 और 27 अगस्त को फोन कर अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकता है। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच ही इन सवालों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी का प्रसारण 13 सितम्बर को होगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री
वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि के मौके पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के ट्वीट में माल और सेवा कर GST को लागू करने में उनके योगदान की सराहना की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। चर्चित कानूनविद और अत्यंत व्यवहार कुशल राजनेता दिवंगत अरुण जेटली भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक छात्र नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। एक छात्र नेता से रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री तक का सफर उनके प्रभावी व्यक्तित्व की कहानी स्वयं बयान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रक्षा, वित्त, कॉरपोरेट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले अरुण जेटली सियासत के एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ थे जो हमेशा संकट मोचक के रूप में याद किए जाएंगे। अरुण जेटली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी कानून समेत कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अरुण जेटली की शानदार पारी का जिक्र लाजमी है, जब उन्होंने 2G और कोयला घोटाले पर यूपी सरकार के खिलाफ न सिर्फ संसद में आवाज बुलंद की बल्कि देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने में प्रभावी भूमिका अदा की। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके अरुण जेटली एक कुशल वक्ता थे जिन्होंने अपनी वाक्पटुता से विपक्ष के नेता के रूप में अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई। अरुण जेटली एक ऐसे राजनेता थे जिनके तमाम दलों के नेताओं से रिश्ते बेहद मधुर और प्रगाढ़ थे। हिंदी और अंग्रेजी पर समान पकड़ रखने वाले स्वर्गीय अरुण जेटली को GST लागू करवाने और आम बजट में रेल बजट को समाहित करने के लिए सदैव याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में भी अरुण जेटली की भूमिका सर्वोपरि रही। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और कई राज्यों के संगठन प्रभारी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके थे। अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, संसदीय दल के सदस्य के रूप में लंबे समय तक काबिज रहे। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय BJP के प्रभारी के रूप में उनकी सफलता को पार्टी हमेशा याद करेगी। PM मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2019 में स्वास्थ्य कारणों से कैबिनेट में शामिल नहीं होने वाले अरुण जेटली ने 24 अगस्त को मात्र 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी पहली पुण्यतिथि पर उन्हें DD न्यूज की श्रद्धांजलि। राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज के लिए। केंद्र सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से नई वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरू कर दिया है। आधार प्रमाणन के इच्छुक लोगों को आवेदन करने के 3 दिनों के भीतर नया GST पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा। इसके सत्यापन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। हालांकि जो व्यवसायी आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि नए पंजीकरण के आधार प्रमाणन से कार्य करना अधिक आसान होगा। इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और फर्जी इकाइयों को GST से दूर रखना संभव होगा। आधार प्रमाणन के माध्यम से GST पंजीकरण का त्वरित अनुमोदन प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। सदन की बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता बताई। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75% से अधिक हुई। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान 537 मरीज हुए स्वस्थ। और छत्तीसगढ़ में ई पास की अनिवार्यता खत्म, लेकिन बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए 14 दिनों का क्वारंटाइन जरूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।